हेलो गाइस तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ व्हाट्सअप की कुछ ट्रिक्स तो आइए देखते हैं तो गाइस मैंने अपना व्हाट्सअप ओपन किया ये गाइस कई बार होता है कि हमें अपने कोई कंटेंट के अंदर कोई मैसेज के अंदर कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है तो गाइज़ जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए करना क्या होगा गाइज़ हमें सबसे पहले स्टार लगाना होगा हाउ हाउर यू रोहित तो गाइज अब मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड करना तो मुझे शुरू में और उसके लास्ट में मुझे स्टार लगाना होगा तो आपने देखा गाइज ये डार्क हो चुका है ओके गाइज तो ये ट्रिक है हमारी फ़र्स्ट अगर गाइज हम चाहते हैं इसको इटालिय करना तो हम इसके नीचे हमें अंडर स्कोर लगाना होगा तो जैसे कि मैंने लिखा गाइज़ हाउ आर यू देन मुझे अंडर स्कोर लगाया मैंने तो गाइज आपने देखा ये इटैलिक हो गया गाइज ये कई फ़ोन के अंदर ही इन फीचर भी होता है जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ कि मुझे ये जो भी अपने मैसेज लिखा है उसको अपन को सेलेक्ट करके रखना होगा देन थ्री डॉट्स पे जाना होगा देन गाइज़ अपन यहाँ से जाके इसको बोल्ड कर सकते हैं गाइज़ अपन इसको इटैलिक कर सकते हैं बट ये एवरी फ़ोन्स के अंदर नहीं होता दैट्स वाई मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि अगर आपको बोल्ड करना है तो शुरू में स्टार और लास्ट में स्टार लगाना होगा और अगर आपको उसको इटैलिक करना है तो उसके इनिशियली अंडर स्कोर लगाना होगा और लास्ट में अंडर स्कोर लगाना होगा तो दैट्स इट गाइज ये फर्स्ट ट्रिक है अब मैं गाइज आपको दिखाना चाहता हूँ दूसरी ट्रिक गाइज कई बार होते हैं हम अपने वॉइस मैसेजेस किसी को भेजते हैं बट जब हम वो वॉइस मैसेजेस भेजते हैं तो हम देखते हैं आवाज़ प्रॉपर नहीं जा रही हमारी या फिर वो मैसेज प्रॉपरली नहीं है तो गाइज हम इस ट्रिक के थ्रू पहले उसको सुन सकते हैं कि हमारा मैसेज क्लियर है या फिर नहीं तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे उसके लिए करना ही होगा गाइज हमें टैप करके रखना होगा ये मैंने टैप करके रखा और इसको मुझे लॉक कर देना होगा गाइज़ तो ये मेरी रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है और गाइज़ मुझे मैन मेन्यू में आ जाना होगा स्लाइड करके ओके गाइज़ देन उसके बाद अब मैंने ये अपना खोला तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो रिकॉर्डिंग हुई है आपने जो रिकॉर्डिंग किया वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर रुक चुकी है तो गाइज़ अब अपन इसको सुन सकते हैं जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखा गाइज़ आप उसको प्रीवियसली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वॉइस प्रॉपरली जारी है या नहीं देन आप उसको सेंड कर सकते हैं तो गाइज़ हमें जो भी अपना वॉइस मैसेज रखना है उसको टैप करके रखना है देन उसको लॉक करना है जितनी देर के लिए हमें अपना वॉइस मैसेज बनाना है तब तक हमें अपना व्हाट्सअप खोल के रखना है और मान लीजिए कि मेरा अब वॉइस मैसेज कम्प्लीट हो चुका है तो मुझे गाइज़ मैन मेन्यू में आ जाना है मैं अगिन आपको दिखाता हूँ मैन मेन्यू में आ जाना है देन हमें वापस व्हाट्सअप को खोलना है तो गाइज़ हमारा वॉइस मैसेज रेडी हो चुका है तो गाइज़ ये है सेकेंड ट्रिक देन गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरी ट्रिक कई बार क्या होता है गाइज़ हमें दो व्हाट्सअप चलाने होते हैं हमारे दो नंबर होते हैं तो हमें या तो डुअल ऐप करना पड़ता है या फिर पैरेलल स्पेस करके एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है ज़्यादातर फ़ोनों के अंदर डुअल ऐप आती है रेडमी के जो भी फ़ोन होते हैं बट हम चाहते हैं कि हम वो ना करके हम दूसरा व्हाट्सअप चलाएँ तो उसके लिए गाइज़ हमें करना ही होगा प्ले स्टोर पर जाके और हमें व्हाट्सअप बिजनेस लिखना होगा व्हाट्सअप बिजनेस तो गाइज ये व्हाट्सअप का खुद का ऑफिशियल ऐप है इससे आपकी सिक्योरिटी बनी रहती है तो आप इसे दो व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं ओके गाइज ये अपनी थर्ड ट्रिक है देन गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि कई बार होता है गाइज जब हम अपना नहीं चाहते कि हम किसी का स्टेटस देखें और उसको सामने वाले को पता चले कि हमने उनका स्टेटस देखा है तो गाइज उसके लिए हमें करना ही होगा अपनी सेटिंग में जाके अकाउंट्स पे जाना होगा देन प्राइवेसी पे जाना होगा देन रीड रेसिपिएंट है इसको ऑफ कर देना होगा तो गाइज इससे होगा क्या कि वैसे तो काफ़ी लोग ये चीज़ जानते होंगे बट जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको गाइज़ में दिखाता हूँ जैसे कि ये स्टेटस है तो ये स्टेटस मैंने शेयर किया ये मैंने अपना स्टेटस शेयर किया गाइज़ तो अब मैं आपको दूसरे फ़ोन में दिखाना चाहूँगा कि मैंने वहाँ से इसको बंद कर दिया है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो स्टेटस है मेरा जो यहाँ शो हो चुका है गाइस अब इस स्टेटस को मैंने प्ले किया ठीक है गाइस तो अब ये स्टेटस आप देख पाएंगे ये स्टेटस मैंने इसको किया देन मैंने इसको देखा ये मैसेज मैंने देखा भी और सामने वाले को पता भी नहीं चला कि मैंने ये उसका स्टेटस देख लिया तो गाइज़ ये एक ट्रिक है बट इससे आप सामने वाले को भी नहीं देख पाएंगे ना वो आपको देख पाएगा जब तक आप इसको ऑफ रहेंगे बट जब गाइज़ आपको ऐसा करना है कि आप नहीं चाहते कि कोई आपका स्टेटस देखे कि आपने सीन किया है या नहीं तो आप उस वक्त उसको ऑफ कर दीजिए देन उसको वापस ऑन कर दीजिए तो गाइज़ ये हमारी फोर ट्रिक है देन गाइज जैसे होगा ये भी कि जैसे मैं मैसेज करता हूँ जैसे मैं इस नंबर पर मैसेज करता हूँ जैसे कि गाइज मैंने इस नंबर पे मैसेज किया तो गाइज़ देखा आपने ये मैसेज आ भी गया और यहाँ ब्लू टिक नहीं आया अगर इस ऐप के थ्रू अगर आप रीड रेसिपिएंट को ऑफ कर देंगे तो सामने वाले को डबल टिक का पता नहीं चलेगा कई बार होता है गाइज हमारे फ्रेंड्स हमारे मैसेज देख लेते हैं बट वो जानबूझ के उसको इग्नोर करते हैं नहीं पता चलता कि उन्होंने देखा या नहीं देखा क्योंकि हमारे पास ब्लू टिक नहीं आता तो हमें लगता है कि ये तो उसने सीन ही नहीं किया बट गायट इसको भी क्रैक करने का तरीका है अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले ने आपका मैसेज देखा है या नहीं देखा तो उसके लिए आप क्या करिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करिए और उस वॉइस मैसेज को छोड़ दीजिए उसके लिए तो गायट जब वो सामने वाले के पास जब वो वॉइस मैसेज जाएगा और वो वॉइस मैसेज को ओपन करेगा तो अगर उसने बंद कर रखा हो तो गाइज़ यहाँ ब्लू टिक आ जाएगा मैं आपको क्लोजअप शॉट दिखाना चाहूँगा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यहाँ पर ही ब्लू टिक हो चुका है जबकि मैंने रीड रेसिपिएंट ऑफ कर रखा है तो कई बार होता है गाइज हमारे दोस्त इग्नोर करने के लिए हमें ये चीज़ कर देते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो जानबूझ के इंटेंशनली ये कर रहे हैं या फिर वो अपना ऑफ़ कर रखा है तो इस ट्रिक के थ्रू हम वो चीज़ क्रैक कर सकते हैं वॉइस मैसेज भेज के अगर उस पर डबल टिक आ जाता है इसका मतलब उसने बंद कर रखा है वो चाहता है कि आपके मैसेज वो ना पता चले आपको कि आपने उसका मैसेज देखा है तो गाइज़ ये क्रैक करने का तरीका है इसको देन गाइज़ मैं आपको तीसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार होता है गाइज़ हम मैसेज को डिलीट करते हैं तो गाइज़ जब हम डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं तो गाइज़ पहले इसकी व्हाट्सअप लिमिट सेवन मिनट थी कि सेवन मिनट के अंदर अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं बट व्हाट्सअप ने इसको बढ़ा के अब वन आवर कर दिया है ओके गाइस तो अब मैं आपको इसके बाद एक और ट्रिक दिखाना चाहूँगा गाइस कई बार होता है हमें रेंडमली कोई भी अपने नंबर को अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर देता हम नहीं चाहते कि वो इंसान हमारे नंबर को ऐड करे ग्रुप के अंदर बट हम परेशान हो जाते हैं बार बार ग्रुप से कि वो बार बार हमें ऐड कर देता है तो गाइज़ उसके लिए हमें करना ही होगा क्या सेटिंग्स में जाना होगा अकाउंट्स में जाना होगा और प्राइवेसी में जाना होगा देन गाइज जो ग्रुप है उस ग्रुप पे जाके हमको माय कॉन्टैक्ट्स या फिर माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट कर देना है इससे होगा ही गाइज अगर आप माय कॉन्टैक्ट्स कर देते हैं तो आपको सिर्फ वही लोग अपने ग्रुप में ऐड कर पाएंगे जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे तो और कोई आपको अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा तो इसलिए आपके लिए हैक्टिक नहीं होगा ओके okay गाइज तो आपको अनोदर ट्रिक मैं दिखाना चाहूँगा कि गाइज़ कई बार होता है कि हमारा कोई फेवरेट पर्सन होता है हम चाहते हैं कि उसकी चैट हमारे पास बनी रहे तो गाइज़ हम उस चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक चैट को जैसे गाइज मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ अपन थ्री डॉट्स पे जाएंगे देन मोर पे जाएंगे देन एक्सपोर्ट चैट करेंगे तो यहाँ गाइज वो पूछेगा आपसे विद मीडिया और विदाउट मीडिया अगर आप गाइज चाहते हैं कि अपनी पिक्स और वीडियोज़ भी साथ में इंक्लूड हो तो आप विद मीडिया कर सकते हैं बट इससे गाइज़ हमारी जो अपलोड जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी देन अगर आप सिर्फ चैट चाहते हैं तो उसके लिए उसके लिए आप विदाउट मीडिया करके देन आप अभी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं किसी के भी थ्रू आप चाहें तो उस चैट को मेल कर सकते हैं आप चाहें तो उस चैट को व्हाट्सअप पर एक डॉक फाइल बना के रख सकते हैं तो अगर आपका व्हाट्सअप डिलीट भी हो जाता है तो आपकी वो चैट हमेशा सेव बनी रहेगी आपके स्पेसिफिक पर्सन की दूसरा का एक whatsapp का है ऑफर है कि कि अभी जस्ट उन्होंने अपना ये बीटा में लॉन्च किया है आप भी इसको यूज़ कर पाएंगे कि जैसे गाइज़ कई बार होता है कि हम किसी का मैसेज आता है बट हम उस वक्त उसको देख नहीं पाते तो हम चाहते हैं कि हम उसको बाद में देखें तो गाइज हमें करना ही है कि उस पर्सन के मैसेज को टैप करके रखना है देन उसको मार्क अनरी अनरीड कर देना है तो गाइज आपने देखा मार्क मार्के अन कर दिया मैंने तो गाइज अब जैसे मैं आपको एक और मैसेज दिखाना चाहूँगा मैंने इसको मार्क अनरी अनरीड कर दिया तो अब गाइज में इसको कभी भी जब मैं फ्री टाइम में रहूँगा तो मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बैठ के देख सकता हूँ कि हाँ ये मैसेज मुझे बाद में चेकआउट करना था देन आप चाहें तो इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं ओके गाइज दूसरी जो आपको मैं अनोदर ट्रिक बताना चाहूँगा गाइज कई बार होता है हम चाहते हैं कि हमारे एक स्पेसिफिक पर्सन हमारे फैमिली मेम्बर की चैट हमेशा ऊपर रहे या हम चाहें उनसे कांटेक्ट करना तो हमें इजीली एक्सेस हो तो गाइज़ उसके लिए करना ही होगा हमें उसे दबा के सिर्फ पिन कर देना होगा इससे क्या होगा गाइज जो भी हमारा फैमिली मेम्बर या स्पेसिफिक पर्सन उसकी चैट हमेशा ऊपर रहेगी चाहे से कितने ही मैसेज ग्रुप मैसेज या किसी के मैसेज आते हैं वो उससे बिलो ही रहेंगे तो गाइज़ ये हैंडी होगा आपके लिए चैट करने के अंदर तो गाइज़ अनोदर हमारी ट्रिक है कि व्हाट्सअप के अंदर हमें थ्री डॉट्स पे जाना है देन सेटिंग में जाना है देन हमें डेटा एंड स्टोरेज यूजेज पे जाना है तो गाइज़ यहाँ से हमें स्टोरेज यूजेज पे जाना है यहाँ हम गाइज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा वाट्सप के अंदर किस पर्सन की स्पेसिफिक चैट कितना एम यूज़ कर रही है हमारे स्टोरेज के अंदर तो गाइज़ हम चाहते हैं कि अगर ये जो स्टोरेज शो हो रहा है ये स्टोरेज हम क्लीन कर दें तो यहाँ से हम फ्री अप स्पेस कर देंगे इससे क्या होगा गाइज डिलीट आइटम करेंगे तो इससे होगा ये गाइज़ कि हमारे फ़ोन की जो इंटरनल स्टोरेज वो इनहेंस हो जाएगी तो गाइज़ हमें यहाँ से जाके आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें किस चैट के जो डेटाज़ हैं उनको रखना है किस चैट के डेटा उसको नहीं रखना तो गाइज़ हम यहाँ से ईज़िली कर पाएंगे आपको मैं वापस दिखा देता हूँ यहाँ से हमें फ्री अप स्पेस करना है मैं आपको देन आपको डिलीट आइटम्स करना है यहाँ से अपन जब इनको डिलीट आइटम्स कर देंगे तो गाय हमारा जो इंटरनल स्टोरेज वो इन्हेंस हो जाएगा गाय ये तो काफ़ी कम है क्योंकि मैंने रिसेंटली व्हाट्सअप इंस्टॉल किया है अनोदा नंबर से जो काफ़ी ओल्ड फ़ोन्स होते हैं या काफ़ी पुराने वक्त से जो व्हाट्सअप चला रहे हैं उनके अंदर ये जी में होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं जो हमें शो भी नहीं होता कि वो इतना स्टोरेज हमारा ले रहे हैं तो दैट्स इट गाइस थैंक यू सो मच अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब